हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टैंडर्ड मराठी का चैप्टर नंबर 10 आमी हवे आहोत का इस चैप्टर के मैं आज आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, अभी मैं इस चैप्टर के आपको बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर्स देता हूँ। सबसे पहले आप इधर पाठ का परिचय देख लीजिए इस चैप्टर का, ओके। और अभी आप इधर शब्दार्थ देख लीजिए फ्रेंड्स, मीनिंग्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं इधर। तो फ्रेंड्स, ये मीनिंग्स है, ओके। ये साइड्स के भी थोड़े कुछ मीनिंग्स है, इतने ही यहाँ तक देख लीजिए, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी आप समरी देखिए चैप्टर की। ये समरी है, इंग्लिश में दी गई है, पढ़ लीजिए इसे। पूरा इधर तक है फ्रेंड्स, ओके। ये भी समरी है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। वीडियो को पॉज कर आप इसे पढ़ सकते हो, ओके। ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स, यहां तक आपकी समरी खत्म होगी, ओके। और अभी ये नोट्स देख लीजिए, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के डिटेल में आपको मीनिंग दिए गए हैं। नोट्स है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, ओके। तो फ्रेंड्स, ये है वाक् प्रचार व त्यांसे अर्थ, यानी कि कुछ फ्रेजेस और मीनिंग्स दिए गए हैं, वो पढ़ लीजिए आप मराठी के अंदर। उनके मीनिंग्स आपको इंग्लिश में भी दिए गए हैं, ओके, देख लीजिए पूरे। ये 9th वन, ये 10th और 11th, 12th, 13th, 14th, ये पूरे फ्रेजेस देख लीजिए फ्रेंड्स। फिर हम अपने एक्टिविटी के क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं, ओके। ये देख लीजिए, अभी हमारे एक्टिविटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं हम लोग। तो प्रश्न एक है हमारा, आकृति आकलन कृति, ओके, यानी कि कंप्लीट द डायग्राम। तो आपको ये डायग्राम दिए गए हैं दो, उसे कंप्लीट करने हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए आप, ये वाला एक और ये वाला एक, इन दोनों के आंसर देता हूँ। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, साकड़ी पूर्ण करा। तो ये जो साकड़ी है, वो तीन जो साकड़ी है इधर पूर्ण कंप्लीट करने हैं। और क्वेश्चन 3 है, विधान ने पूर्ण करा, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। तो ये दो स्टेटमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, ओके। अभी हम लोग इनके उत्तर देख लेते हैं, इधर साइड उत्तर दिए गए हैं, ओके। तो ये है उत्तर फ्रेंड्स। तो ये जो फर्स्ट वाली कृति जो थी हमारा, उसका उत्तर है, देख लीजिए इसमें, ओके। अभी ये जो सेकंड वाली जो कृति थी हमारी, उसका उत्तर देख लीजिए इसमें, ये वाला बॉक्स में। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा जो था, साकड़ी पूर्ण करा के, तीनों क्वेश्चंस का आंसर देख लीजिए, बॉक्सेस में लिखना था जो आपको, ओके। और फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट करने का था, ये दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए, जो अंडरलाइन किया है वो आपका आंसर है। अभी हमारा कृति 2 है, आकलन कृति, पुढ़ प्राणायांची कृति लिहा, ये प्राणायाम की जो कृति है बॉक्सेस में लिखने हैं आपको, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आकृति पूर्ण करा, कंप्लीट द डायग्राम, ये दो डायग्राम कंप्लीट करने हैं। थर्ड है, एक शब्दात लिहा आंसर इन वन वर्ड, तो ये दोनों क्वेश्चन का आपको एक वर्ड में आंसर बॉक्स में देना है। अभी इन तीनों क्वेश्चंस के उत्तर देख लेते हैं, ओके। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर है ये चारों का, ओके। ये जो इसके ये वाला था ना हमारा, ये वाला, इसके आंसर ये वाले हैं फ्रेंड्स, ये वाले, ओके। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही जो 5th वाला हमारा था,
उसका ये वाला है फ्रेंड्स, फिफ्थ वाला, ओके। और अभी क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर टू के दो जो हम लोग का कंप्लीट द डायग्राम था, उसका ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला देख लिया आपने। और फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री था, उसका ये फर्स्ट और सेकेंड आंसर इन वन वर्ड वाला, ओके। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप पीछे कर कर देख लो क्वेश्चन। पहले क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ सारे, फिर आंसर। तो आंसर मैंने दिखा दिया, अभी अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कृति थ्री है व्याकरण कृति, विशेष्य जोड़िया लावा, मैच द नाउंस विद देयर एडजेक्टिव्स। तो ये जो इधर हमें दिए हैं, एक साइड नाउंस दिए हैं और एक साइड एडजेक्टिव्स दिए हैं, उनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इधर जो वर्ड्स दिए हैं इनके जेंडर चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री है वचन चेंज करना है, इनके सिंगुलर है तो प्लूरल करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर करना है। फोर्थ है पुढ़ वाक्यांतील शब्दांचा जाति ओळखा, तो इसके अंदर की जो शब्द की जाति है, क्या नाउन है, कौन से वर्ड के प्रकार बताने हैं, ओके। दैट्स इट, अभी आंसर देख लेते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस के। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये पूरे चार। सेकेंड वाले क्वेश्चंस की ये आंसर देख लीजिए, जिसमें हमें जेंडर लिंक बताना था, लिंग बदला, लिंग चेंज करना था, ओके। तो फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमें वचन बताना था, सॉरी वचन बदलना था, वो देख लीजिए। और ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था जाति ओढ़ने का, ये वाला देख लीजिए आंसर, ओके। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर देख लीजिए आप, हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है कृति फोर, स्वत्म कृति, यानी कि जो सेल्फ आंसर है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, फिर उसके ऊपर के ये आंसर देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका आंसर है, इसे लर्न कीजिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा फ्रेंड्स। ये सब लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये टेंथ में आता ही है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी हम आते हैं अपने पैराग्राफ सेकेंड के और। तो फर्स्ट है आकलन कृति, आकृति पूर्ण करा, कंप्लीट द डायग्राम। तो ये जो हमें इधर डायग्राम वन और डायग्राम टू दिया है, इन दोनों को कंप्लीट करना है, बॉक्सेस में फिल करना है। और ये है डायग्राम थ्री, इससे भी फिल करना है। ये क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड क्वेश्चन है। सेकेंड है हमारा कारणे लिया, रीजन लिखना है इन दोनों के पीछे का, ओके। अब इनके आंसर देख लीजिए हैं फ्रेंड्स उत्तर। तो हमें जो डायग्राम कंप्लीट करने का था, उसका ये आंसर देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का, पूरे तीनों 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 का देख लीजिए, फर्स्ट का, ये सेकेंड का और ये थर्ड का, ओके। और जो हमें कारण लिखने का था, उसका देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन जो था, फर्स्ट का आंसर और ये सेकेंड का आंसर। इधर से आपका स्टार्ट होगा आंसर, कारण से, और इसमें भी कारण से, कारण के आगे, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ओके। समझ ला, समझ गए, ओके, इतना। अभी आगे बढ़ते हैं, कृति दो है फ्रेंड्स हमारा, आकलन कृति, ओके। फर्स्ट है कंप्लीट द डायग्राम, ये डायग्राम कंप्लीट करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, बॉक्सेस में। ये क्वेश्चन नंबर टू है डायग्राम कंप्लीट करने का, और ये क्वेश्चन नंबर थ्री, देख लो और क्वेश्चन को, फिर आंसर बताता हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर टू है चौकटी पूर्ण करा, ये बॉक्सेस में आपको फिल करना है तीनों का आंसर। उत्तर देख लीजिए, ये फर्स्ट वाले डायग्राम का आंसर्स, ये क्वेश्चन नंबर टू डायग्राम के आंसर्स, ये क्वेश्चन नंबर थ्री डायग्राम के आंसर्स। और अभी हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें हमें क्या करना था, फिल इन द बॉक्सेस, ये फर्स्ट वाले का आंसर, ये सेकेंड वाले का आंसर और ये थर्ड वाले का आंसर। वीडियो को पॉज कर कर आप मैनेज कर लीजिए सर। कृति तीन फ्रेंड्स व्याकरण कृति है, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। तो ये जो सेंटेंस दिया है आपको, इसमें का प्रोनाउन फाइंड आउट करना है, यानी कि सर्वनाम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन टू है तख्ता पूर्ण करा, फिल इन द चार्ट। तो ये जो बॉक्स दिया है, इसके अंदर जो डैश दिए गए हैं, उधर आपको फिल करना है, ओके। क्वेश्चन थ्री है लिंग बदला, तो ये जो आठ वर्ड आपको दिए हैं, इसके जेंडर चेंज करने हैं, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन फोर है पुरिल जोड़ शब्द पूर्ण करा, तो ये जो जोड़ शब्द है उसे पूरा कंप्लीट करना है। अभी इसके आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर वन जो सर्वनाम ओढ़ने का था हमें, वो सेंटेंस में से ये है, फर्स्ट सर्वनाम ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर टू जो चार्ट हमें कंप्लीट करना था जो तो फ्रेंड्स जहां आपको डार्क ब्लैक कलर में लिखता हुआ दिख रहा है वो आपका आंसर है ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमें लिंक बदलने का था उसके आंसर देख लीजिए, ये पूरे 8 1 2 3 4 5 6 6 है, 8 नहीं है फ्रेंड्स सॉरी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है जोड़ शब्द कंप्लीट करने का, औषध का है औषध पानी, खान का है खान पानी खान पीन ओके। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा स्वमत कृति सेल्फ आंसर, जो मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन रीड कीजिए पूरा आंसर लर्न कर लीजिए बाय हार्ट कर लीजिए, आपके एग्जाम में इसे जरूर आएंगे और ओके दसवीं के पैटर्न में भी ये आते हैं। ग्रामर एंड वोकैबुलरी का पार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, व्याकरण यानी कि ग्रामर, फर्स्ट है कंसांतिल सूचनानुसार बदल करा, तो हमें ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया है उसके अंदर हमें वो सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कि हमें एक सेंटेंस दिया है उड़ी उड़ी रंगाचा गले गलेट लठ बोका होता, तो इसको हमें उद्गारार्थी वाक्य में चेंज करना है, उद्गारार्थी करना है ओके। आपने ये तो पढ़ा होगा ना आज्ञार्थी वाक्य उद्गारार्थी वाक्य मिश्र वाक्य केवल वाक्य और बहुत सारे टाइप के वाक्य है ओके। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सेंटेंसेस को चेंज करना है, इनके आंसर देख लीजिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओके ओके फ्रेंड्स समझ गए। अभी आगे बढ़ते हैं तख्ता पूर्ण करा, तो ये जो है ना हमें वो पूर्ण करना है तख्ता को, ये देख लीजिए हमने पूर्ण किया, ये सारे आंसर आएंगे इधर, ये उसका उत्तर ही है दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी पार्ट पर आ जाते हैं, दिलेले शब्दन बूढ़े कंसंतिल विरुद्धार्थी शब्द लिहा, तो इधर ब्रैकेट में से चूज कर कर आपको करेक्ट विरुद्धार्थी शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनके आंसर देख लीजिए अभी, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर सेकेंड का ये थर्ड का ओके। दो है फ्रेंड्स हमारा जोड़ शब्द लिया यानी कि जोड़ शब्द लिखना है, तो अभी जोड़ शब्द लिखना है आपको कंप्लीट करना है, तो इनके उत्तर देख लीजिए, ये फर्स्ट वाले का है सेकेंड वाले का थर्ड वाले का फोर्थ वाले का दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अभी समानार्थी शब्द लिखने हैं, इन चार शब्द के उत्तर देख लीजिए आप चारों के समानार्थी शब्द, फिर है विरुद्धार्थी शब्द चारों के विरुद्धार्थी शब्द के आंसर देख लीजिए ओके। ये उत्तर है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ ज्यादा कि किसका समानार्थी क्या है, रीड नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में ऐसे ही आपको बता रहा हूँ ओके। अभी फाइव देख लीजिए शब्दांश योग्य क्रम क्रम लावन अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा, तो आपको सही से अरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो फर्स्ट और सेकेंड ये है, तो ये उत्तर है फर्स्ट सेंटेंस ऐसे होगा सही तरीके से और सेकेंड सेंटेंस इस तरह से होगा ओके। अभी फ्रेंड्स थर्ड है आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, अचूक शब्द ओढ़ का यानी कि करेक्ट वाला शब्द आपको पहचानना है, इसका उत्तर देख लीजिए फर्स्ट वाला ये वाला करेक्ट वर्ड है सेकेंड वाला ये है थर्ड वाला ये है फोर्थ वाला ये उसके आंसर्स है दैट्स इट फ्रेंड। देख लिया पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं हमें इस सेंटेंस में से, टोटल चार सेंटेंस दिए हैं उनका आंसर देख लीजिए फर्स्ट का सेकेंड का थर्ड का फोर्थ का, कहाँ कहाँ पंचुएशन मार्क्स आएंगे वो भी आप देख लीजिए। अभी प्रश्न पांच है हमारा फ्रेजेस वाक् प्रचार, तो आपको क्या करना है कंसांतिल शब्द समूहाचा वाक्यातील रिकाम्या जागी वापर करून वाक्य पुनः करा, तो आपको जो करेक्ट वाला वर्ड है वो आपको यूज कर कर वाक्य पूरा फिर से लिखना है ओके, वाक् प्रचार डालना है उधर ओके। ये देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस थर्ड सेंटेंस जो अंडरलाइन किया है कौन सा राइट वर्ड आएगा आपको ब्रैकेट में से देखना है और वो लगाना है, इसके उत्तर देख लीजिए फ्रेंड्स आप, ये उत्तर है फर्स्ट वाला इधर आएगा सेकेंड वाला ये है और थर्ड वाला ये है, आंसर देख लीजिए।
और अभी है फ्रेंड्स हमारा योग्य अर्थाचा पराय निवाड़ा, तो हमें इसका सही वाला अर्थ का जो मीनिंग है वो निकालना है। तो फर्स्ट वाला देख लीजिए, ये बॉक्सेस में से करेक्ट वाला चूज करना है आपको। ओके, तो इसमें क्या आएगा इन तीनों में से, और इसमें क्या आएगा इन तीनों में से ये वाले बॉक्स में वो देखना है आपको। और फ्रेंड्स इन तीनों में से क्या आएगा इसमें, तो फर्स्ट वाले का आंसर है ये वाला, सेकेंड वाले का ये वाला, और थर्ड वाले का ये वाला। ओके, आंसर देख लीजिए आप। महनी यानी कि प्रोवर्ब्स, पूरे महनी पूर्ण करा, यानी कि ये जो पूरे प्रोवर्ब्स है वो हमें पूर्ण करना है। टोटल हमें इधर 12 प्रोवर्ब्स दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा, इनको पूर्ण करना है। इसके उत्तर देख लीजिए फ्रेंड्स, ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में इसे पूछा ही जा सकता है। ग्रामर में रहता है ये, वाक् प्रचार, महनी, ये सब रहेगा, पंचुएशन मार्क्स आपको रहेगा, तो ये सारे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वीडियो में दे दिए हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।